बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। चंद दिन पहले किसी ने पूछा, परेशानियों से कैसे बचा जाए। फौरन जवाब दिया, अपने हम उम्र लोगों में उठना बैठना छोड़ दें, बच्चों के साथ वक्त गुजारें और नौजवानों की सोबत इख्तियार करें। कल मुरीद खास के साथ गपशप के दौरान गुफ्तगू इसी मौजू की तरफ निकल गई। मेरी दलील सुनकर उसने एक कहावत सुनाई, जिसको सुनकर मुझे अपनी राय में काफ़ी तकवीत महसूस हुई। कहते हैं, कई बरसों पहले एक नौजवान लड़की की शादी एक बूढ़े शख्स के साथ तय पा गई। लड़की ने दो शर्तें सामने रख दी, उन पर अमल होता रहेगा मैं साथ रहूंगी, वरना तलाक हो जाएगी। पहली ये कि जब भी मेरा खावंद घर पर दाखिल होगा तो दीवार फैलांग कर घर आएगा। दूसरा ये कि अपने हम उम्र दोस्तों की बजाय नौजवानों की महफिल में जाया करेगा। बूढ़े ने बात मान ली और शादी की इब्तदाई माह खूब गुजरे। बूढ़ा शख्स जिंदगी से भरपूर तरीके से लुत्फंदोज होने लगा। एक दिन उसे अपने हम उम्र बूढ़े दोस्तों की याद आई तो उनकी तरफ जा निकला। कई घंटे साथ गुजारने के बाद वापस आया तो घर की दीवार फलांगने में नाकाम हो गया। मजबूरन दरवाजे पर दस्तक देनी पड़ी। रात जैसी भी गुजर गई, सुबह होते ही लड़की ने अपना सामान लपेटा और तलाक ले ली, क्योंकि दोनों शर्तों की खिलाफ वर्जी हो चुकी थी। हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया। मेरे कहने का मकसद ये है कि इंसान उस वक्त तक बूढ़ा नहीं होता जब तक उसके ख्यालात बूढ़े ना हो जाएं। इंसान को उसके तफरकात बूढ़ा कर देते हैं, और इन तफरकात से बचने का बेहतरीन हल ये है कि उन लोगों की सोबत से बचा जाए जो अपने तस्वीरात को जंग आलूद कर लेते हैं और जो ख्वाब देना छोड़ देते हैं।